छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर बवाल के बीच में भूपेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर मंथन के बाद उसे मंजूर कर लिया गया। इसे अब 1-2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार आदिवासी समाज को 32%, ओबीसी वर्ग को 27%, एससी को 13% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 4% को मिलाकर अब 76% आरक्षण का कानून बना सकती है। वहीं इस मसले पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष को भी इसे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित कराना चाहिए। आरक्षण की कटौती का अगर किसी को दोष जाना चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को जाना चाहिए। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जैसे ही 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित होगा और उसके दूसरे दिन ही हम छत्तीसगढ़ के उन सभी वर्गों को लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। हम 71 के बहुमत में है, हम प्रतिपक्ष के दबाव में क्यों आएंगे? लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है छत्तीसगढ़ के उन सभी वर्गों को जिनको लाभ मिलना है, और दुर्भाग्य है प्रतिपक्ष का कि माननीय उच्च न्यायालय में उनके शासनकाल में जो दस्तावेज रखे गए, शायद वो दस्तावेज विधानसभा के सामने भी आएंगे, उन दस्तावेजों में तत्कालीन सरकार ने कभी आरक्षण जितनी संख्या है उसके आधार पर लोगों को मिले इसके बारे में तो कभी उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुति नहीं किया है। वही वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व संसद कार्य मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि अभी चीजें स्पष्ट ही नहीं हुई है। हम किस बात का समर्थन करें, जब हमारे सामने सारे तथ्य आ जाएंगे तब हम उस पर निर्णय लेंगे। किसका समर्थन करें या ना करें, उन्होंने सरकार के आरक्षण को लेकर मसौदे पर कहा कि सरकार कंफ्यूज है। अब वो 76% देना चाहती है जो देश में सर्वाधिक होगा, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेगी? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि मैं 81% देने के लिए तैयार हूं, तो इस बिल में 76% क्यों है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस कंफ्यूज है इसमें। 10% ईओडब्ल्यू के लिए आरक्षण तय हुआ था, संवैधानिक है, कांग्रेस ने एक बार सहमति दे दी कि हम इसमें तैयार हैं। जब उसके सहयोगी दल द्रमुक ने आपत्ति ली स्टालिन ने, तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। आरक्षण में हुई कटौती को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच सरकार ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए 76% आरक्षण का नया फॉर्मूला लेकर आया है। इस विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि इसमें संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।